तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बनाना सिखाने वाला हूं बिल्कुल आसान स्टेप में और कम समय में। आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग बूटेबल पेन ड्राइव बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने एक ही पेन ड्राइव को सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं और जरूरत के हिसाब से आप अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग विंडोज को इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों इस काम के लिए हम जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर GPT और MBR दोनों फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। आपको GPT के लिए अलग और MBR के लिए अलग बूटेबल पेन ड्राइव बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके हार्ड डिस्क का पार्टीशन स्टाइल चाहे जो भी हो, GPT हो या फिर MBR हो, आपको बस पेन ड्राइव को लगाना है और इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर देना है। तो ये कैसे करना है जानने से पहले दोस्तों आपको एक छोटा सा काम कर देना है। आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप आगे भी देख पाओ। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो अभी दोस्तों आपको अपने फेवरेट ब्राउजर को ओपन करना है और उस ब्राउजर में आपको इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है ventoy.net। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं या फिर अगर आप गूगल में भी जाकर टाइप करेंगे ventoy तो इसका वेबसाइट आपको ऊपर ही मिल जाएगा। वेबसाइट ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ ऊपर डाउनलोड्स पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ventoy 1.0.74 windows.zip, इस पे क्लिक करना है। ये नया टैब ओपन होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे देखिए नीचे से तीसरा ऑप्शन फिर से वही मिलेगा ventoy 1.0.74 windows.zip, इस पे क्लिक करके आपको इसके एक छोटे से zip फाइल को डाउनलोड कर लेना है जिसका साइज है सिर्फ 15.1 MB। डाउनलोड करने के बाद से दोस्तों अब आपको इसको ओपन करना है जहां भी जाकर के सेव हुआ है। ओपन करने के बाद अब इस पे आपको राइट माउस क्लिक करना है और इसे आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। लेकिन दोस्तों यहां पे आप एक बात का ध्यान रखना कि इस फाइल को आपको सी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, सी ड्राइव के अलावा किसी दूसरे ड्राइव में एक्सट्रैक्ट करना है। ना ही आपको सी ड्राइव में एक्सट्रैक्ट करना है, ना ही डॉक्यूमेंट फोल्डर में, ना ही डाउनलोड फोल्डर में और ना ही डेस्कटॉप पे, आपको डी या फिर ई ड्राइव में एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डी ड्राइव को सिलेक्ट किया, उसके बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किया और ये फाइल डी ड्राइव में जाकर के एक्सट्रैक्ट हो चुका है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए डी ड्राइव में ventoy के नाम से ये एक फोल्डर बन चुका है, इसे ओपन करना है। यहाँ पे आपको एक फाइल मिलेगा ventoy टू डिस्क, इस पे डबल क्लिक करके इसे आपको ओपन करना है। इसका इंटरफेस दोस्तों आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अपने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप या फिर पीसी में लगा देना है। लेकिन एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके पेन ड्राइव का साइज ISO फाइल से ज्यादा होना चाहिए। आपके ISO फाइल्स का टोटल जितना साइज है उससे ज्यादा आपके पेन ड्राइव का साइज होना चाहिए। मान लीजिए दोस्तों आप विंडोज 7, 10 और 11 तीनों का एक मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बना रहे हैं तो तीनों का टोटल जितना साइज है उससे ज्यादा पेन ड्राइव का साइज होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ आपको रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है और ये आपके पेन ड्राइव को ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहीं पे इंस्टॉल का बटन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको ये पॉपअप मैसेज देखने को मिलेगा, ये बोल रहा है कि इस पेन ड्राइव के अंदर जो भी आपका डेटा है वो सारा कुछ फॉर्मेट हो जाएगा। तो आपको लगाने से पहले देख लेना है, अगर पेन ड्राइव के अंदर कोई इंपोर्टेंट डेटा है तो उसे आपको दूसरे ड्राइव में मूव कर देना है। फिर आपको यहाँ यस और यस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं प्रोसेस स्टार्ट चुका है और ये 10 सेकंड के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। अब इसे आपको यहाँ पे बंद कर देना है, इसका काम दोस्तों यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है इसे थोड़ा आप अच्छे से समझ लेना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेन ड्राइव का नाम भी चेंज हो चुका है, ventoy हो चुका है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इस पेन ड्राइव के अंदर आकर के इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको अपने सभी ISO फाइल्स को उस पेन ड्राइव के अंदर कॉपी कर देना है। तो मेरा यहाँ सारा ISO फाइल डी ड्राइव के अंदर है, इस तरह से सबको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कॉपी किया, उसके बाद से पेन ड्राइव को ओपन करना है और इसके अंदर सारे ISO फाइल को 2 है 3 है 4 है 5 है जितने भी ISO फाइल्स है उन सभी को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कॉपी करने के साथ ही दोस्तों अब ये पेन ड्राइव मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बन चुका है। इस पेन ड्राइव के अंदर 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7, 10 और 11। अगर बाद में आप किसी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाना चाहते हैं तो पेन ड्राइव को लगाना है और एक ISO फाइल को यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। बस इतना सा प्रोसेस था। अब चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टॉल कैसे करना है।
इंस्टॉल करना भी दोस्तों उतना ही आसान है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने लैपटॉप या फिर पीसी को रीस्टार्ट कर देना है। पहले से शटडाउन है तो आपको पहले उस बूटेबल पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप या पीसी में लगाना है, उसके बाद से पावर बटन को प्रेस करना है और कीबोर्ड पे फंक्शन की के साथ अपने बूट की को 2-3 सेकंड तक कंटिन्यू प्रेस करते रहना है। हर कंपनी के लैपटॉप या फिर पीसी का दोस्तों बूट की अलग अलग होता है, तो अगर आपको नहीं पता है कि आपके लैपटॉप या फिर पीसी का बूट की क्या है तो आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने पेन ड्राइव को लगाया है और यहाँ पे बूट की को प्रेस कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे बूट मैनेजर का पेज ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बूट मैनेजर के इस पेज पे अब आपको अपने पेन ड्राइव को सिलेक्ट करना है और इस तरह से इंटर कर देना है। यहाँ पे दोस्तों ये विंडोज का ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं तीनों ओएस देखने को मिल जाएगा, विंडोज 7, विंडोज 10 और विंडोज 11। अब आपको जिस भी ओएस को इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप या फिर पीसी में उसे एरो की से सिलेक्ट करना है, इंटर करना है और यहाँ पे दोस्तों सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉलेशन का जो पेज ओपन होता है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से विंडोज 10 हो, 11 हो, 7 हो या फिर लाइनक्स हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप यहाँ से आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप अपने एक पेन ड्राइव को मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।